नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय विज्ञान का जो पाठ है 10 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और बल की परिभाषा से हमने गुरुत्व त्वरण के जी के मान निकालने के सूत्र भी उत्पन्न किया। तो उस गुरुत्व त्वरण जी के मान निकालने के जो सूत्र का भी उत्पन्न किया है, उस सूत्र से हम पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, चंद्रमा का, सूर्य का, किसी भी ग्रह का या किसी भी पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आज हम ज्ञात करेंगे कि जो ये गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये कैसे आता है, किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है, उसका हम परिकलन करेंगे। तो इसका परिकलन करने के लिए हमें पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, मतलब जिस पिंड का हम गुरुत्व त्वरण निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, उस पिंड की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो गुरुत्व त्वरण जी का गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है उसका मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम गुरुत्व त्वरण जी के मान का परिकलन करते हैं कि जो मान होता है वो 9.8 होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, वो कैसे आता है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है 6.7 × 10⁻¹ⁱ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मान हमने पीछे बताया कि हेनरी केवेंडिश ने सुग्राही तुला के माध्यम से इसका मान ज्ञात किया था। तो इसका निश्चित मान होता है, यही हमें हर जगह पे लेना है, 6.7 × 10⁻¹ⁱ। दूसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान, हम पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण निकाल रहे हैं इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर होती है, ये भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। हमें जिस पिंड का गुरुत्व त्वरण निकालना है उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या ज्ञात होगी तो हम उस पिंड का गुरुत्व त्वरण का मान निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि गुरुत्व त्वरण का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर जो जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है, एम है, एम वो जिस पिंड का द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान होता है, आर उस पिंड की त्रिज्या होती है। तो हमें ये तीन मान ज्ञात है, इस तीन मान का उपयोग करके हम परिकलन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के जी का मान कितना होता है, 6.7 × 10⁻¹ⁱ। एम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁴ किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या होती है तो आर स्क्वायर है, तो दो बार लिखना है 6.4 × 10⁶। अब हम इसको हल करते हैं, 6.10⁶ उससे 10⁶ तो 12 है, ऊपर कितने 10⁴ तो 10⁴ को काटेंगे तो कितना बच गया, 10⁻¹² बच गए, 24 में से 12 गए, कितने बच गए, 10⁻¹². अब ये 10⁻¹⁻ है तो 12 में से -11 है वो घट जाएंगे तो कितने बच गए, 10⁻¹ बच गया, कितना बच गया, 10⁻¹, यानी 10 बच गया, कहने का मतलब ये केवल 10 बच गया। अब हम बाकी चीजों को हल करते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 6.7 × 6 × 10 और नीचे क्या बचा, 6.4 × 6.4 तो हम इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने आ गए 10, इसका दशमलव हटाया ऊपर कितने आ गए 10, इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना आ गया 10, ये 10 से 10 गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया और अब जो शेष बचे उनको काट देते हैं, जैसे इसको 2 से काटा तो कितने आ गए 32, यहां पे कितने आ गए 5, फिर इसको किससे काटा 2 से काटा तो यहां कितने आ गए 5, यहां कितने आ गए 16,
इसको छह से, इसको दोनों को दो दो से काटा तो यहाँ कितने आ गए आठ, यहाँ कितने आ गए तीन, तो ऊपर कितने बच गए सड़सठ, तीन पांच गुणा पांच, और नीचे क्या बच गए चौसठ गुणा आठ। तो जब हम सड़सठ को तीन से गुणा करते हैं तो सड़सठ तीन कितने होते हैं 201। सड़सठ को तीन से गुणा किया कितना है 201। 201 को जब हम 25 से गुणा करेंगे, 201 को जब आप 25 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 5025। कितने आ जाएंगे 5025 आ जाएंगे। तो ऊपर सड़सठ को तीन से किया 201 है, 201 को हमने 25 से गुणा किया तो कितने आ गए 5025 आ गए। 5025 में नीचे कितने बच गए आठ और चौसठ, नीचे कितने बच गए आठ बच गया और चौसठ बच गया। तो आठ को जब चौसठ से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 512 गुणा करोगे तो कितने आएंगे 512। अब 5025 में जब आप 512 का भाग दोगे तो मान कितना आएगा 9.8144 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 9.8144 तो इसको हम निरस्त कर देते हैं, केवल मान जो लेते हैं वो कितना लेते हैं 9.8, या इसका मान जो लिया जाता है वो लिया जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आगे क्या काफी न्यून है तो इनको निरस्त करके और मान मात्र कितना लिया जाता है 9.8। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या और उसके माध्यम से हमने पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया, जिसका मान होता है 9.8। कोई भी सवाल आगे करेंगे तो उसमें हम उसका मान कितने लेंगे। कई जगह पर जैसे प्रश्न के अनुसार हम इसका मान 10 भी ले लेते हैं ताकि जो हमें हल करने में आसानी हो, तो 9.8 को कई जगह पर 10 भी लिया जाता है। अगर प्रश्न में 10 दिया तो आपको 10 ही लेना है, अन्यथा आपको 9.8 लेना है। तो कई बार प्रश्नों में दे देते हैं कि जी का मान 10 लेना है तो वहां 10 लेना है, तो ये 9.8। अब हम जैसे एक बात करते हैं कि जैसे हमने गति के तीन समीकरण पढ़े थे, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इन गति के समीकरणों से हम कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे डालते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस स्थिति में हम वस्तुओं की तय दूरी, समय, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो जी का मान है वो प्लस का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले रहा है प्लस का, और यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उस स्थिति में जी का मान माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। ये याद रखना, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और वस्तु गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए उस स्थिति में जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, वस्तु के वेग में लगातार ऊपर की ओर जाएगा ना, तो गुरुत्व त्वरण तो नीचे लग रहा है और वस्तु किधर जा रही है ऊपर की ओर, तो वस्तु के वेग में धीरे 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 कमी होती है और एक निश्चित ऊंचाई पे जाके रुक जाती है। तो मतलब गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए वस्तु जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान ऋणात्मक लेना है। जो वस्तु ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो हमें त्वरण का मान प्लस लेना है, और नीचे से ऊपर फेंकते समय या गति करते समय उसका मान जी का मान है वो माइनस लेना है, ये याद रखना। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो हमेशा u का मान जीरो लेना है, याद रखना प्रारंभिक वेग जीरो। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते समय वेग की आवश्यकता नहीं होती है प्रारंभिक वेग की, इसलिए u का मान क्या लेना है जीरो। और यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो v का मान जीरो लेना है, क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद में उसको विराम अवस्था में आ जाती है, फिर नीचे गिरती है, तो एक क्षण के लिए वो विराम अवस्था में आती है, फिर वो वस्तु वापस कहां गिरती है नीचे, इसलिए उसका अंतिम वेग जो v का मान है वो जीरो लिया जाता है। तो याद रखना कि जब भी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो जी का मान प्लस का लेना है
अगर नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो जी का मान माइनस लेना है। दूसरी बात, यदि वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो यू का मान जीरो लेना है, और यदि नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वी का मान जीरो लेना है। तो ये ध्यान रखना, जब तक इन चीजों का ध्यान होगा तभी हम इन चीजों को प्रश्न को सही ढंग से हल कर सकेंगे। बड़ी गति की ये तीन समीकरण है, इन्हीं का उपयोग करना है। बस ध्यान में रखना है कि जी का मान है वो कब ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक लेना है, कब वी का मान जीरो लेना है, कब यू का मान जीरो लेना है। अब जैसे एक प्रश्न है, हम हल करके समझते हैं उसको, उत्तर निकालते हैं उसका, कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, और वह 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, मतलब जो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, 10 मीटर, वो 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है, और तो पहुंचती है, तो परिकलन कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। तो वस्तु का यू का मान याद करना है प्रारंभिक वेग। और आपको एक बात बताई कि जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो अंतिम वेग वी का मान क्या लेना है, जीरो, क्योंकि वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, फिर वापस नीचे गिरती है, तो अंतिम वेग वी का मान क्या लेना है, जीरो, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 10 मीटर। और दूसरा, वस्तु को उच्चतम बिंदु तक यहां तक पहुंचने में 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगा गया समय। तो हमें दो चीज याद करनी है, एक तो बी का मान निकालना है, एक यू का मान निकालना है। एस का मान हमें दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास है, और जी का मान हमें क्या लेना है, -9.8, क्यों, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई है। तो हम ये जो मान है वो लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस का मान है 10 मीटर। दूसरा, वस्तु का अंतिम वेग V बराबर है 0 मीटर प्रति सेकंड, V का मान 0 लेना है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक लेना है क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई। ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक वेग u का मान ज्ञात करना है, और समय कि कितना समय लगा t बराबर याद करना है। ठीक है, तो जो चीजें दी गई वो हमने लिख ली, जो याद करना है वो लिख लिया। तो हमें पहले में क्या याद करना है, वस्तु की कितने वेग से ऊपर फेंकी गई u का मान। तो हमें गति की जो तीन समीकरण है उसके अनुसार, जैसे गति की तीसरी समीकरण का उपयोग करेंगे, v² - u² = 2g, यहाँ पे a की जगह क्या लेना है, g लेना है, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण है, तो g, s की जगह क्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे, h लेंगे, तो g h हो गया, मान रख लेंगे, तो v का मान कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस u² = 2g का मान कितना लेना है, -9.8 × h का मान कितना है, 10। ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर, ये 0 तो खत्म है, तो माइनस यू स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, मान ये माइनस है तो सारा मान गुणा में 9.8, तो 9.8 को 2 से गुणा करोगे तो 98 दूनी कितने होते हैं, 196 कितने होते हैं, तो इसका दशमलव हटाओ नीचे कितने आ जाएंगे, 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, तो 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये समझ लेना इसको, तो इसको जब 9.8 हटाओगे 10 तो कैंसिल हो गया, ये 98 हो गए, 98 दूनी कितने हो गए, 196, तो यू माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 196 आ गए, 10 है वो कैंसिल हो गया, इसका दशमलव हट गया। तो
माइनस से माइनस गया तो u स्क्वायर बराबर क्या आ जाएंगे, 196 का अंडर u बराबर आ जाएगा 196 का अंडर रूट, और तो u का मान 196 का अंडर रूट कितना होता है 14। तो वस्तु द्वारा वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है जिस वेग से उसको फेंका गया वो कितना आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, वेग का मान क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये पहला उत्तर आ गया। अब हम दूसरा उत्तर निकाल रहे हैं, वस्तु के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो समय ज्ञात करने के लिए हम गति की पहली समीकरण का उपयोग करेंगे, v बराबर होता है u प्लस जी टी। तो जहां जहां जब ऊंचाई या ऊपर से संबंधित प्रश्न करते हैं तो g का मान लेना है। तो v बराबर, v का मान कितना है 0, बराबर u का मान कितना निकाला हमने अभी 14, ये माइनस का ये प्लस है, माइनस का 9.8 मान रखेंगे, गुणा t का मान ज्ञात करना है। तो 0 बराबर 14, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस 9.8 t, तो ये मान आ गया। अब माइनस 9.8 को क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का है दूसरी तरफ इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया 9.8 t बराबर कितने आ गए 14, कितने आ गए 14। अब t बराबर 14 बटा 9.8, तो t बराबर इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 98। तो जब 98 का भाग, जब 98 का भाग आप 140 में दोगे तो मान आ जाएगा 98 1.43 सेकेंड, इतना आ जाएगा सेकेंड, तो ये मान आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो t का मान आ गया 1.43 सेकेंड, तो पहले का मान था प्रारंभिक वेग u का मान 14, और ये तो इस प्रकार से यह हल हो गए। अब आगे हम द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है भार क्या होता है, क्योंकि अपने सामान्य अवधारणा होती है कि द्रव्यमान भार एक ही चीज होती है लेकिन ये दोनों अलग। अब हम द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान क्या चीज होती है और भार क्या होता है। तो सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ के द्रव्य का उसमें पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, कि उसमें द्रव्य की मात्रा कितनी है वो उसका जो मान होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। या फिर कोई भी वस्तु है उसके जड़त्व का मान, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा किसका होगा, जिसका जड़त्व का माप ज्यादा होगा। जड़त्व मतलब जो वस्तु किसी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का जितना ज्यादा विरोध करेगी उसका द्रव्यमान उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। या वस्तु के अंदर या पदार्थ के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका मान कहलाती है, वो द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के जड़त्व का माप ही उसका क्या कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है। तो जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका जड़त्व कम होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। या वस्तु में विद्यमान उपस्थित द्रव्य की पदार्थ की, द्रव्य मतलब पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाती है द्रव्यमान कहलाती है। कोई वस्तु बड़ी होगी उसमें द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें द्रव्य की मात्रा क्या होगी कम होगी। भार की परिभाषा क्या होती है, भार तो भार सामान्य हम क्या मानते हैं कि द्रव्यमान भार को एक मानते हैं लेकिन दोनों क्या है अलग अलग। भार क्या होता है, वस्तु का भार एक बल है, फोर्स, बल का सूत्र बढ़ाना है, एम बराबर क्या होता है एम गुणा द्रव्यमान, और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है बल कहलाता है। तो बल एक जो द्रव्यमान वो जो वस्तु का भार होता है वो एक प्रकार का बल है। तो यदि वस्तु पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है वही बल वस्तु का क्या कहलाता है भार कहलाता है। तो F की जगह वेट W बराबर क्या हो जाएगा
एमजी, यानी पृथ्वी जिस बल से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जो हमारे ऊपर जो बल लगा रही है, उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। तो वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर क्या होता है, आकर्षित। तो बल क्या है, भार क्या है, एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी हम हर वस्तु के ऊपर लगाती है, और वो जो बल है उस बल का मान क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। तो वस्तु के भार याद करने का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम गुणा जी। एम क्या होता है, द्रव्यमान। अब जैसे समझे कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान तो 10 किलो है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। तो क्या उस वस्तु का भार भी 10 किलोग्राम है, नहीं। हमें जी का मान पता है, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस वस्तु का भार कितना होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम गुणा जी, यानी सूत्र लिखा है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10। वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8। तो 10 को जब 9.8 से गुणा करोगे तो 98, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है वो ही लगाते हैं, या द्रव्यमान भार भी लगाते हैं। इसका कई जगह मात्रक है, तो द्रव्यमान भार भी हो सकता है, न्यूटन भी लगा सकते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान तो 10 किलोग्राम है, लेकिन वस्तु का भार कितना है, 98 न्यूटन है। तो इसलिए द्रव्यमान अलग चीज होती है, भार अलग चीज होता है। देखो द्रव्यमान 10 किलोग्राम और भार कितना है, 98 न्यूटन, तो क्या एक ही नहीं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ हो और यदि हमें भार निकालना है तो उसको 9.8 से गुणा करना है, ध्यान में रखना। द्रव्यमान को किससे गुणा करना है, 9.8 से, तो उस वस्तु का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। तो द्रव्यमान भार दोनों क्या होती है, अलग अलग चीज होती है। ये तो इनकी बात होगी परिभाषा की। अब हम बात करते हैं आगे कि द्रव्यमान होता है वो कहीं भी ले जाओ उस वस्तु को, उसका द्रव्यमान है वो कहीं भी बदलता नहीं, चाहे आप उसको चंद्रमा पे ले जाओ, कहीं अन्य ग्रह पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसका द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है। जैसे हमने भी कहा ना 10 किलोग्राम, तो वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी ले जाए उसका निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन भार बदल जाता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जी का मान कितना है, 9.8। अन्य ग्रहों पर या कहीं भी ले जाएंगे तो उनका गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा, इसलिए उनके गुरुत्वीय त्वरण के आकर्षण बल के अनुसार भार का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर जगह पर जो द्रव्यमान है वो तो हर वस्तु का समान रहता है, लेकिन जो भार होता है वो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम समझते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो गोलाकार नहीं होकर कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी गोल नहीं, उसका आकार कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। तो ये ध्रुव है और ये विषुवत है, विषुवत और ये पृथ्वी का केंद्र है। तो दीर्घवृत्ताकार तो विषुवत की, और जो विषुवत बिंदु से जो दूरी है वो आर का मान क्या होता है, ज्यादा। ध्रुव की जो दूरी है तो ये कम है, तो मतलब ध्रुवों पर जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी होती है, त्रिज्या होती है, वो कम होती है। विषुवत पर क्या होती है, ज्यादा। तो मतलब त्रिज्या ज्यादा हो गई तो इसका मतलब जी का मान कम हो गया, जी का मान क्या हो गया, कम। अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी तो इसका जी का मान क्या आएगा, ज्यादा। मतलब ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा लगता है, गुरुत्व त्वरण का मान ज्यादा होता है, पृथ्वी ज्यादा आकर्षण बल लगाती है, और यहाँ पर विषुवत पर क्या लगाएगी, कम आकर्षण बल लगाती है। तो किसी भी वस्तु का, अगर आप कोई वस्तु है उसका भार ध्रुवों पर याद करेंगे और उसके बाद विषुवत पर आके याद करेंगे तो उनमें अंतर आता है। ध्रुव मतलब पहाड़ों पर जो बर्फ के पहाड़ हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहां पर कोई भी वस्तु का जो भार है वो हमेशा क्या आता है, ज्यादा, और विषुवत पर उसका भार क्या आ जाएगा, कम। तो अगर हम यहाँ पे सोना खरीद के लाते हैं ना, ध्रुव पर सोना खरीद के लाएंगे और फिर आप लाके उसको विषुवत पर तोलेंगे तो उसका वजन कम आ जाएगा, फिर भार क्या आ जाएगा, कम, तो नुकसान हो जाएगा। तो ध्रुवों पर क्या होता है, वस्तु का भार कम होता है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, सॉरी ज्यादा होता है भार, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा आकर्षण बल लगाती है विषुवत पर,
जी का मान क्या होता है कम, इसलिए भार का मान क्या होता है। पृथ्वी पर भी अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग है, तो वो किस पे निर्भर करता है, गुरुत्व त्वरण पे। इसलिए भार है वो बदलता रहता है, द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं। फिर आता है द्रव्यमान का मान शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन भार शून्य हो सकता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाए, ऊंचाई की ओर जाते जाए जहां गुरुत्वाकर्षण के बल का मान क्या हो जाए, शून्य, तो वहां पर वस्तु का भार क्या आएगा, शून्य आएगा। तो भार, द्रव्यमान का भार कभी शून्य नहीं हो सकता, भार का मान शून्य हो सकता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भौतिक राशि है जो अदिश भौतिक राशि होती है। भार एक सदिश राशि है जो दिशा के अनुसार बदलती रहती है। तो ये कौन सी राशि याद रखना, ये एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान वो कौन सी राशि है, वो बल की दिशा पर निर्भर करती है, इसमें बल का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। और भार क्या होती है, एक सदिश राशि जिससे दिशा का प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और भार का मात्रक होता है वो न्यूटन या किलोग्राम भार भी होता है। न्यूटन भी लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम भार भी होता है। तो इस प्रकार से हमने द्रव्यमान और भार को पढ़ा, इनमें अंतर भी पढ़ लिए, साथ साथ पढ़े दोनों ताकि आपको समझ में आए। तो इनकी परिभाषा पढ़ी, इनमें अंतर पढ़े, इनके मात्रक पढ़े, बाकी इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।